मुझे ये बताइएगा आप, क्योंकि कराची की बात हो रही है तो मैं कराची के नुमाइंदे की बात करूंगा। हमारे डॉक्टर हामिद यादव हुसैन है, बड़े प्यारे मेरे भाई। आप पिछले हफ्ते मेरी शेख रशीद साहब से बात हो रही थी, बड़े इम्प्रेस थे, कह रहे थे अलीम से कहिएगा जी के मैंने कुछ शेर और भी भेजे हैं। नानी तेरी मोदी है। देखा 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 तुम्हें देखना चाह रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं, मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और बड़े अच्छे दोस्त भी मेरे, और अ मैन विद थाउजेंड ऑफ वॉइस, हज़ारों वॉइसेज इनके अंदर मौजूद हैं, और ही इज़ द क्रिएटिव एंड वेरी वेरी व्हाट डू यू से हम्बल मैन, और इनके नाम है द वन एंड ओनली फैन साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्लाह, इतनी आवाज़ें कैसे मौजूद रहती हैं आपके अंदर? यार आवाज़ें हर इंसान में मौजूद रहती हैं, कुछ खराटों की सूरत में निकालते हैं, ठीक है, कुछ फाट की सूरत में निकालते हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें लोगों में मौजूद हैं। आप डिपेंड करता है कैसे निकाल रहे हैं, मैं लोगों की सूरत में निकालती हूँ। और ये अलीम भाई, और अलीम भाई से मुलाकात हो रही है, सामने के लिए अभी देख कैमरे में देख के हाथ हिलाते हैं, शूटिंग हुई। अच्छा अलीम, अच्छा फहीम भाई, ये मुझे बताया कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस अलीम भाई की कलेक्शन? बहुत ही अमेजिंग, हाईली इम्प्रेस्ड, मतलब कितने डिफरेंट क्रिएचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ा ही ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका सेटअप है माशाल्लाह से। सबसे पहले तो ये कहूँगा, मुझे ये बताइएगा आप, क्योंकि कराची की बात हो रही है तो मैं कराची के नुमाइंदे की बात करूँगा। हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है, बड़े प्यारे मेरे भाई। तो ये बताइए, ये जो इतने सारे जानवर हैं, इनमें आपको इंसान, एक अकेले इंसान, कितना अजनबियत नहीं लगती? बिल्कुल, एहसास से कमतरी का शिकार तो नहीं होते इतने सारे जानवर और मैं इंसान हैं? कैसे जानवर वफादार है इंसान से? मैं बिल्कुल आपकी बात से यार मतलब, इनसे मैं जितना टाइम देता हूँ मुझे उतना टाइम वापस देते हैं, जितना इनको प्यार देता हूँ वापस देते हैं। इंसान को प्यार दो दिन बाद बेवफा लात मार देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये आपने एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए की है या एमक्यूएम लंदन के लिए, ये बाद में बताइए, ठीक है ना? और बताइए अलीम भाई, ये जो आपने ये चीज़ें रखी हुई हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, मतलब आप पिछले हफ्ते मेरी शेख रशीद साहब से बात हो रही थी, बड़े इम्प्रेस थे, कह रहे थे अलीम से कहिएगा जी के मैंने कुछ शेर लौर भी भेजे हैं। लाहौर? हाँ कुछ बंदे हैं कुछ। अच्छा वो तो वहाँ पर है ना, आपके अपने कोट लखपत कहाँ, कौन सी किसी जेल में बंद है वो? हाँ कुछ हुए हैं। अच्छा वो शेर आपके हैं भाई, आपकी मार्केट खराब हो जाएगी फिर, ऐसा मत करें। आपने बड़ी लोकल किस्म के जो है वो शेर भेज दिए हैं, वो क्या कहता हूँ, लूसी शेर भेज दिए हैं आपने। कुछ जमाने पहले शेर थे वो, हाँ अब नहीं रहे। अच्छा किसी शायर ने मतलब उनका दीवान बना दिया है, क्या हो गया बेटा? ये हमारे बच्चे भी हैं भाई, ये भी यहाँ पर खेल रहे हैं अलीम भाई की वजह से माशाल्लाह। और तो अली भाई ये आइडिया आपको कैसे आया, मतलब रात को सो रहे थे, साइकिल से गिरे, चोट लगी, उसके बाद से आपने सोचा जानवर? ये बचपन से ही ब्लड के अंदर है यार, मेरे वालिद साहब को भी शौक था। अच्छा मेरे को भी आया उनसे, इसीलिए उन्होंने आपकी परवरिश, जब भी अलाव है घर में, वरना सब चीज़ें घर में, ये ज़रूरी है। अगर वालिद साहब को जानवरों का शौक हो, बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं। बिल्कुल है, तो हमारे वालिद साहब को नहीं था ना शौक, इसलिए ऐसा है मेरे दोस्त। कोई भाई वो एक आखिरी सवाल आपसे, वो रिंग का मुझे ज़रा बताएं, रिंग क्या होती है भाई? वो यार टीवी पे भी बहुत चल रहा है, पता नहीं क्या कोई अजीब से लोग हैं भाई। सीधा सा मेरा सवाल था, कान में पहनने वाली रिंग को ए रिंग कहते हैं, नोज़ में पहनने वाली रिंग को नोज़ रिंग कहते हैं, फुट में पहनने वाली रिंग को टो रिंग कहते हैं, तो फिंगर में पहनने वाली रिंग को क्या कहते हैं, आप बताएं अली भाई? सोचना पड़ेगा यार, मुश्किल सवाल है। चले आप भी सोचिएगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वॉइस एकदम सीनियर हो गया कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच क्राउड, और हम लोग अपना शूट करते हैं ब्लॉग, और इवेंचुअली वी हैव टू स्टॉप इट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर हियर एंड वी ऑलवेज वेलकम देम। अलीम हमेशा सबको वेलकम करता है, और सो वी हैव स्टॉप द व्लॉग फॉर नाउ एंड वी आर रिलैक्सिंग, वी आर चिलिंग विद द गाइज, विद द पीपल एंड द फैमिलीज आर हियर, सो वी रिस्पेक्ट दैट एंड एंजॉय। अंदर चल रहा है बड़ा हल्ला गुल्ला, और बहुत सारा क्राउड आया हुआ, तो आपके भाई थोड़े रिलैक्स करने बाहर आ गया, और पीपल आर सो मच लाइक एंजॉयिंग विद द एनिमल्स, और सुशी और स्नोई दोनों बहुत बिजी हैं, और हमने तो इग्नोर कर दिया, तो हम बाहर आ गए।
एक भाई हमारे पास आए हैं और ही एक्चुअली ब्रिंग सम गिफ्ट, और काफ़ी लोग गिफ्ट लेके आते हैं तो हम लोग गिफ्ट के लिए मना करते हैं, गिफ्ट लेके आए हैं, लेकिन वो मोहब्बत से लेके आए तो वी आर जस्ट टेकिंग इट। और वो क्या लेके आए, लेट मी शो यू। अलीन क्या लेके आए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक। क्या लेके आए आप भाई? टी शर्ट लाए हैं भाई मेरे। दिखाएं मुझे टी शर्ट, दिखाएं, खोल के दिखाएं। क्या है इसमें? आपको बंदा पहना हुआ दिखाता हूँ ना। आता भी जरा खोलूंगा। अरे ये आप साफ साफ पहने हुए शर्ट तो भाई लेके आए हैं। अच्छा तुम एकदम सुकून से नहीं बैठोगे? राजा हाउस अगेन, राजा हाउस। सो ब्रदर थैंक यू सो मच अगेन, सो मच भाई जान, अल्लाह आपको खुश रखे यार। थैंक यू सो मच सर। सो कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस? मज़ा आ रहा है इनके साथ? भाई मज़ा क्या आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं कि शेर, जंगल का शेर हमारे दरमियान में मौजूद हो। देखें माशाल्लाह से, और कितना रिलैक्स है। हाँ वो अपने आप ग्रिप किया ना इसको, इस तरह से शिवर कर रहे हो उनको, देखिए छोड़े आप तो खेलना उनको। अच्छा नहीं प्यार करें, ये देखें कुछ नहीं कहता, ये प्यार करें। अबू बकर काम, अबू बकर काम है, ये देखें अबू का डॉगी, डॉगी। ये आपको हॉलीवुड में बहुत नजर आते हैं मूवी। एग्जैक्टली वो सेलिब्रिटी कैटेगरी वाला नहीं। हां हां वो लेके घूम रहे होते हैं। अच्छा जो जितनी अमीर और बिगड़ी भी दिखाते हैं उसके भाई यही कुत्ता होता है। यानी आपके मिजाज बिगाड़ता है। एग्जैक्टली। वाओ एक्सीलेंट। ये बप्पी है। काटा नहीं है, कुछ नहीं जाता। भाई कौन सी मूवी में थे ये? कौन सी मूवी में थे? आई लाइक टू मूवी में थे। वेरी गुड, मेमोरी है भाई माशाल्लाह। आई लाइक टू मूवी में थे। टेल बड़ी है, उसकी टेल बड़ी है, उसकी छोटी थी। वाओ केज में क्या है वो? नानी तेरी मोरनी है। को ओपन किया हुआ है और लोगों को इनवाइट किया है कि आ जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं और इनबॉक्स करते हैं कि भाई आप लोग कैसे आ सकते हैं, विजिट करना है, हमने एनिमल्स देखने हैं, आपके लायन देखने हैं, स्नोई देखने हैं, स्नोई से मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है। तो वी अरेंज अ लिटिल इवेंट, नॉट इवेंट इन शॉर्ट, बट ओपन फॉर एवरी वन टिल 2 to 5। अभी हमने रखा हुआ था, हमें डिस्क्लोज नहीं कर पाए क्योंकि फिर काफ़ी क्राउड हो जाता है, उसको हैंडल करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार बच्चे आते सब करते हैं, तो इट्सेल्फ एनिमल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास, उसके साथ कोई मिसअप ना हो, उसके साथ कोई लोगों के साथ मसला ना हो, तो इसलिए हम ज़रा इसको ज़्यादा ओपनली अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन स्टिल पीपल आर कमिंग एंड दे आर लविंग इट, किड्स आर इंजॉइंग दैट, एंड वी आर हैविंग लिटिल प्रॉब्लम शूटिंग क्योंकि बच्चे हैं, सब लोगों के साथ साथ करना मसला हो रहा है। Other than that, it's good and animals ka please care karein, khayal rakhein, they are very lovely species, unka tarika hota hai, if you don't properly unko kya khayal nahi rakhenge to it will react in a different zone, to iski pehle knowledge lena, information lena is a basic thing. Thank you.